टाइकोंडो जो मैच हम लोग पूजा करेंगे पूजा भी करते हैं उससे प्रेम आनंद भी करने का हाँ पूजा क्या कह सकते हैं हम प्रे कर सकते हैं कि आप बहुत अच्छा करिए यू शुड प्ले गुड डू वेल नॉट ओनली इन गेम्स बट इन योर स्टडीज एज वेल एज एंड अबव ऑल यू नीड टू बी अ गुड ह्यूमन बींग एंड वॉट स्पोर्ट्स एक्चुअली टीचर्स यू इज योर पार्टिसिपेशन एंड एडजस्टमेंट दिस इज वॉट स्पोर्ट्स टीचर्स यू adjustment in each and every situation whatever situation comes in front of you you know very well how to handle it and how to overcome it theek hai bahut sundar decoration tha waqai bahut pyara tha bahut acha thank you अगर तीन चार लोग लें तो अच्छा रहेगा ना क्या बात आ जाओ अपना चल रहा है नहीं लखनऊ स्टेट है नहीं स्टेट वाले भी आ जाओ इसको बड़ी बड़ी जी हाँ ये सब स्टेट वाले नेशनल वाले आ जाओ दिस इज द एक्सचेंज ऑफ लाइट
बैठ जाओ, मैट को प्रदान करेंगे सभी लोग। जब भी आप गेम कोई खेलना स्टार्ट करते हैं, चाहे कबड्डी या खो खो, तो आप पहले प्रणाम करते हैं ना? Yes, yes, कैसे करते हैं, फिर उसके बाद खेलने के लिए उतरते हैं, तो ये क्यों करते हैं? एक्चुअली ये आप लोग मैट पे खेल रहे हैं, लेकिन ये होता है धरती, और धरती को हम क्या मानते हैं? माँ। और धरती पे हम फिर स्टैम्पिंग करते हैं, है ना? तो इसलिए पहले छूके माफी मांग लेते हैं कि हम खेलने जा रहे हैं, क्योंकि माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है, ये आप सबको पता है, है ना, कि माँ का दर्जा सबसे ऊंचा माना जाता है। तो इसीलिए हम पहले ही, चाहे डांसर्स हैं, क्योंकि डांसर्स भी अपने फुटस्टेप्स करते हैं, और जो प्लेयर्स हैं वो भी करते हैं, चलते तो है ही, इसीलिए हम लोग मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले धरती को प्रणाम करते हैं। सबसे पहले अगर नहीं करते हैं तो किया करिए, जैसे ही उठते हैं, चाहे फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, चाहे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हैं, सबसे पहले आप धरती को, उससे भी पहले आपको अपने हाथों को देखना चाहिए। हाथों को क्यों देखना चाहिए? क्योंकि यही वो हाथ है जो आपके भविष्य को बनाएंगे। उसके बाद तुरंत आपको धरती को नमस्कार करना चाहिए। देन उसके बाद किसको? टू योर पेरेंट्स, टू योर पेरेंट्स, देन व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू इट। ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट।